गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज फुल के तौर आप देख रहे हो लाइफ आफ्टर व्लॉग्स। तो यार आज अपन लेके आए हैं KTM ड्यूक 390 जो कि तनिष भैया की है, और मैं इसके थोड़े सिनेमैटिक इंजॉय करूँ, फिर अपन बात करते हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई हैं इसमें और कितना खर्चा लग गया है पूरी बाइक में मॉडिफिकेशन होने की। और जो आपने CBR की वीडियो देखी थी वो भी तनिष भैया की थी, बट वो सेल आउट करने वाले हैं तो उसका जो प्राइस राइज है वो भैया ने मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो Underestimating what you've taken on. यार यहाँ पर मैं राइड कर रहा हूँ KTM ड्यूक 390, और जैसे कि आप देख सकते हो पावर इसमें सच में है, और ये PS4 है जो कि है तनिष भैया की, तो नया परचेज अभी। और ये है PS4, तो इसमें पावर तो PS6 से ज़्यादा है, और देख सकते हो आप लोग वहाँ पर भैया जा ही रहे हैं आगे। तो देख सकते हो आप लोग, और मतलब ये गाड़ी एक ऐसी गाड़ी है जो हर मतलब कोई भी गियर हो उसमें पावर जनरेट कर लेती है, जैसे कि अब यहाँ फोर्थ है उसमें भी देखो कितनी तेज पावर है इसमें, तो ऐसा है। सामने मेरी बाइक चल रही है जो कि चला रहा है तनिष भैया, और यहाँ पर अभी हम लोग आए थे बाइकर जोन क्योंकि यहाँ इनको लीवर्स लगाने थे जो कि ब्रेक लीवर्स, बट वो नहीं लगाए क्योंकि वो इसमें सूट नहीं कर रहे थे। देख सकते हो आप लोग पावर बहुत ज़्यादा है इसमें, और अभी मैंने अपने ग्लव्स पहने नहीं है, बैग में रखे हैं क्योंकि वहाँ से थोड़ा जल्दी में निकले थे। और साउंड बस आप देखो कि क्या प्यारी आ रही है इसमें साउंड जो कि है, और अभी अपन लेते हैं इसके एक और शॉट ले। जो कि आप देख सकते हैं कि आपसे साउंड देखो इसकी कितनी, जो कि बहुत सेक्सी साउंड आ रही है भाई साहब। मैं थोड़ा सा गलत टर्न हो गया था, आगे से है रोड, एक तो विजयनगर की रोड, पब्लिक रिएक्शन देखो यार, सिर्फ पब्लिक रिएक्शन। और अपन बात करें कि इसमें अभी क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई हैं, तो यार वहाँ पर खड़े हैं भैया और उनसे अभी बात करते हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुई हैं और कितने की हुई हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो इसमें हुआ है वो हुआ है ब्लैक रैप, और जैसे कि आप देख सकते हो पूरा ब्लैक रैप हुआ है यहाँ पे, और ये है ऑरेंज वाली ड्यूक जो आती थी BS4 में, जो ऑरेंज आती थी। और सेकेंड थिंग जो हुई है वो रैपिंग हुई है, बट यहाँ पर देख लो गोल्डन फोक कराए हैं भैया ने, रैप हैं ये भी जो कि दोनों साइड हुए हैं। और बट एक चीज़ है, जैसे कि आप देख सकते हो ये जो पिंक दिख रहा है बट ये है नहीं, ऐसा भैया ने रेड रैप कराए थे जाके रैप रेड दिखे, जैसे ही LED ADRLs चालू होती हैं तो ये पिंक हो जाता है, तो यार उसमें थोड़ा सा कुछ नहीं कर सकते। और जैसे कि सामने की देख सकते हो हल्की सी पहले यहाँ पर टिंटेड था, बट नहीं किया ज़्यादा टिंटेड इसको। और यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन फाइबर रैप हुआ है यहाँ पर, और
चीज की बात करें अगर तो यहाँ पर आप भैया ने टेल टाइडी लगवाए हैं जैसे कि आप देख सकते हो, और नीचे का जो मड गार्ड हगर है वो हटवा दिए हैं और सारी गार्ड भी हटवा दिए हैं जैसे कि देख सकते हो आप लोग। और यहाँ पर हल्की सी जो लाइट है वो हल्की टेंट हुई है बट नीचे से नहीं हुई है टेंट। और जो यहाँ पर जो नंबर प्लेट लाइट लगती है वो नहीं किए हैं क्योंकि ये जो रेड लाइट जब यहाँ पड़ती है तो बहुत अमेजिंग लगती है रात में। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ने बार एंड मिरर लगवाए हैं जिसमें से यहाँ पर ये देखो बहुत अच्छी विजिबिलिटी है यहाँ पे। और यहाँ के लीवर्स अभी हम लोग चेंज करा रहे थे बट नहीं कराए क्योंकि यार वहाँ पर वो जो वाले थे थोड़े से इसमें सूट नहीं कर रहे थे, दैट्स व्हाई। और इस गाड़ी का नेम है ये डार्लिन, इस गाड़ी का नेम है डार्लिन जो कि भैया ने रखे हैं वहाँ पे। और अब बस सबसे मेन चीज़ की बात करें अपन इसके एग्जॉस्ट की, तो यार एग्जॉस्ट इसमें लगा है SC प्रोजेक्ट जो कि बहुत प्यारा साउंड करता है, बेसी है और बैकफायर मारता है जो कि बहुत ही अच्छा साउंड करता है जैसे कि आपने देखे हो। और ये लगा है भी मेरा कैमरा, मैं सोचा था इसका ये पीछे की वो लेने की बट इतने अच्छे से आ नहीं पाया, तो यार अभी देखते हैं अपन ला जाते हुए लेते हैं। और चलो अपन अब इसको राइड करते हैं और देखते हैं कि कैसी मतलब आता है इसका एग्जॉस्ट का इनपुट और क्या क्या रिएक्शंस आते हैं, तो चलते हैं अपन और राइड करते हैं। और बात करें अगर अपन इसकी चीज़ की तो यार यहाँ पर लगाए हैं उनने, यहाँ पर देख सकते हो इंडिकेटर फ्लैशर्स जो कि है हैजार्ड लाइट। और वो कंट्रोल कैसे होती है ये पहले सबसे पहले इसको चालू करना पड़ता है, और आप नॉर्मल यूज़ करोगे तो इसको अगर राइट करोगे तो राइट का इंडिकेटर जल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो, और अगर लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट का जल जाता है। लेकिन और अगर जो नॉर्मल हैजार्ड लगाते हैं तो यहाँ पर एक स्विच लगाना पड़ता है कहीं पर भी तो वो उससे चालू हो जाता है, बट इसमें एक अलग सा फंक्शन है, एक बार जल्दी जल्दी लेफ्ट और एकदम बीच में कर दो तो यार देख सकते हो आप लोग यहाँ पर मोड चेंज हो जाता है और सामने का फ्लैशर जल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, ज़्यादा तामझाम नहीं है। आ गए तनिष भैया, और क्या क्या हुआ है, कितना खर्चा हो गया इसमें टोटल? खर्चा तो देखा जाए तो 6,000-7,000 के आसपास का खर्चा है फ्रॉम द स्टार्ट, जब से लिए गाड़ी तब से। अच्छा, और क्या क्या मतलब क्या 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 प्राइस के हैं जैसे टेल टाइडी, क्या क्या प्राइस में आपको पड़े हैं? टेल टाइडी जो है PS परफॉर्मेंस की है, ये मैंने चेन्नई से मंगवाई थी तो मेरे को अराउंड ऑफ नहीं तो 400 रुपये की पड़ी थी विद डिलीवरी चार्जेस, विदाउट डिलीवरी चार्जेस जो थी वो 300 कुछ की थी। और नंबर प्लेट अलग से बनवाई थी, अगर उसको भी इंक्लूड किया जाए तो नंबर प्लेट 500 रुपये की सिर्फ नंबर प्लेट बनी थी। अच्छा। बहुत महंगी नंबर प्लेट पड़ी थी मेरे को। एग्जॉस्ट सिस्टम की बात करी जाए तो जो बेंड पाइप थी वो मेरे को 1500 की पड़ी थी, एग्जैक्ट माना जाए तो 1500 का बेंड पाइप था और जो एग्जॉस्ट था वो 3500 का था, तो टोटल 5000 का एग्जॉस्ट सिस्टम है समझ लो। और यहाँ पर आपको बार एंड मिरर कितने के पड़ गए थे? बार एंड मिरर मैंने लोकली लिए थे तो मेरे को 400 कुछ के पड़े थे बार एंड मिरर। और ये पर मतलब ये जो है ब्लाइंड स्पॉट मिरर है, ये तो मैंने इतने सारे चेंज करे लिटरली मेरे को लग रहा है जितने मैंने बार एंड में लगाए थे उतने मैंने ब्लाइंड स्पॉट में 400 रुपये लगा चुके होंगे अभी तक। मतलब एक दो करते करते इतने सारे लगा चुका हूँ मैं कि 400 रुपये मेरे स्पॉट मिरर में ही ख़त्म हो गए होंगे, बाकी अभी ये नए लगे हैं तो ये कुछ 40 रुपये का एक है तो 80 रुपीज का पेयर था ये। और अच्छा एक चीज़ और सबसे मेन बात कि इसमें पूरे रैप में कितना, सिर्फ रैप में कितना, स्टिकरिंग रैप में कितना खर्चा हो गया आपका? रैप में यार नियरली देखा जाए तो अभी तक अगर मैं गिनूं 2500 रुपये तक का हो चुका होगा, धीरे धीरे करके लगा, ऐसे एक बार में पूरे 2500 नहीं लगे, जैसे पूरा ब्लैक जब करवाया तो 1000 हुआ था मेरा, फिर छोटे 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 स्टिकर्स करते करते वो बढ़ता गया क्योंकि पर स्टिकर समझ लो ये एक स्टिकर तुमको 60 रुपये का पड़ता है, ये स्टिकर 60 का, ये स्टिकर 60 का, उधर लगे हैं ये फेक टैक्सी लिखा है ये 60 का, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो प्राइस है बढ़ाती जा रही है। अच्छा मेन बात आपका यहाँ पर कौन सा व्हाइट कलर था जो आपने ब्लैक करा दिया? हाँ, ये तो मेरा ब्लैक हुआ है, ये कितने में हुआ था? एक ऑफिशियल तुम लोगों को फोटो दिखाऊं कि पहले कैसी थी, ये व्हाइट यहाँ पे है और आप देखो तो ये ब्लैक है। हाँ। तो कितना खर्चा हुआ था इसमें आपको? यार सिर्फ इस बार का पेंट होने में, पेंट एक्चुअली में बहुत महंगा पड़ता है इसलिए मैंने ब्लैक पेंट नहीं करवाया था, सिर्फ इस बार का पेंट होने में मेरे को 700 रुपये लग गए। 700 रुपये सिर्फ इस बार को पेंट होने में लगे तो ये वाला बार था। अच्छा एक सबसे मेन सवाल होता है कि जैसे अपन अगर बॉडी पे अगर पेंट करते हैं तो RC में मतलब फर्क आता है, लेकिन चेसिस में अगर अपन कलर करते हैं तो उसमें कोई आता है क्या? देखो चेसिस में मतलब ओवरऑल पूरी गाड़ी का देखा जाता है, चेसिस और बॉडी का कुछ नहीं देखा जाता, ओवरऑल गाड़ी का देखा जाता है। अगर तुम्हारे RC कार्ड पे, जैसे मेरे RC कार्ड पे जो है यहाँ ऑरेंज लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे तुम
आरसी कार्ड पे सिर्फ ऑरेंज लिखा रहता है, ब्लैक वाइट ऑरेंज ऐसा कुछ भी नहीं लिखा रहता, सिर्फ एक ऑरेंज लिखा होता है. तो व्हाट मैटर्स इज कि गाड़ी में कोई भी जगह पे सिर्फ ऑरेंज 1% होना चाहिए. अच्छा. अगर ऑरेंज कहीं पे भी नहीं है गाड़ी में, आप टोटल ब्लैक कर देते हो, तो उसमें आरसी में दिक्कत आती है. इसलिए मैंने व्हील्स भी अभी तक ऑरेंज रखे हैं और मिडल चेसी भी. और अगर जैसे अभी आप व्हील्स अगर ब्लैक करा लेते हो, उससे भी अगर ये चेसी है ऑरेंज तो भी मतलब चलेगा, चल जाएगा. और अगर सिर्फ चेसी ब्लैक कराते हो, व्हील्स ऑरेंज है तो भी चलेगा? नहीं, तब नहीं चलेगा. बिकॉज व्हील्स जो है बॉडी में इंक्लूड नहीं होती आरटीओ के उसके टर्म्स के. अच्छा. बिकॉज चेसी जो है आपकी मेन होती है, इसलिए चेसी में ऑरेंज होना जरूरी है. अच्छा. ऐसे वैसे भी मेरी वाइट चेसी थी, ऑरेंज आरसी कार्ड है तो भैया ये मेन चेसी है, ये ऑरेंज अभी भी, तो क्या मतलब है? और सबसे मेन बात, एग्जॉस्ट लगाने से माइलेज में फर्क आया है? बहुत फर्क आया है, थोड़ा नहीं बहुत फर्क आया है. मतलब कितने का? सिटी में मेरे को जो पहले 25-26 मिल जाता था, अब सिटी में मिलता है 20. हाईवे पे अभी मैं बांधवगढ़ ट्रिप गया था तो मेरे को 25-26 हाईवे पे मिल रहा है. तो और जो हाईवे पे मेरे को 30 मिल सकता था विदाउट एग्जॉस्ट. तो आपका मतलब स्टॉक एग्जॉस्ट भी जो मेरा था उसमें पावर अपग्रेडेशन तो था ही, वो बिकॉज ऑफ डीबी किलर रिमूवल. तो उतना मेरे को माइलेज का टेंशन स्टार्टिंग से ही नहीं रही थी, बिकॉज माइलेज का इतना सोचूंगा तो मैं गाड़ी कैसे चला पाऊंगा. कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को? यार मेरे को ओन किए हुए हो गया 2 months और गाड़ी एक्चुअली में देखी जाए तो 2 साल पुरानी थी. ओके. तो मतलब 2 महीने में कितना पी गई है? कितना पी गई है हिसाब तो नहीं लगाया, बाकी 2 से 3 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ मैं. 2 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ तो एक एस्टीमेट भी लिया जाए तो 4-5 हज़ार रुपये का पेट्रोल पी गई होगी अभी तक. बस भाई बहुत खर्चे तो बहुत हैं इस गाड़ी के, जो भी बोलूँ. और सर्विस अभी एक हुई है ना? सर्विस अभी मैंने जब से लिया तब एक सर्विस हुई है, 4 हज़ार किलोमीटर वाली. अभी सेकेंड सर्विस. तो क्या प्राइस पड़ा उसको आपको? सर्विस यार मेरे को सर्विस कॉस्ट पड़ा था नियर तो 6,000 रुपये. 6,000 रुपये इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर सब कुछ चेंज हुआ था एक बार में. आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी बड़ी सी वीडियो में. टिल देन बाय बाय. और जैसे कि आपकी ये ड्यूक है तो यहाँ पर एक बाइकर जोन करके है, तो वहाँ पर आप आ जाइए. उसको उनका मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आइए. आपके ऐसे मॉडिफिकेशन करके दे देंगे वो, तो बाकी आप वहाँ जाके आप पता कर सकते हो कि क्या क्या मॉडिफिकेशन है. मॉडिफिकेशन के हिसाब से आपको उसका रेट आता है. भैया बोल रहे हैं और मेरे वीडियोस देख लेना, बांधवगढ़ के भी अभी 3 व्लॉग आने वाले हैं. यूट्यूब का अभी नीचे आ रहे होंगे और इंस्टाग्राम की भी आ रही होगी हम दोनों की. तो चलो फॉलो कर लो और मिलते हैं किसी बड़ी से वीडियो में. टिल देन बाय बाय.